हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14 और आज हम पढ़ने जा रहे मीटर ब्रिज, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बिगनिंग हो गई है और पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे मीटर ब्रिज। क्या होता है मीटर ब्रिज, क्या काम करता है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में क्या पूछा जा रहा है, IIT में क्या आ रहा है, नीट में क्या आ रहा है, एडवांस में क्या आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा मीटर ब्रिज का। इसके बाहर से मीटर ब्रिज में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। शुरू में बोर्ड वाली चीज़ें बताएंगे और धीमे धीमे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जो आपको NCERT में मेंशन नहीं है, बट IIT में वहाँ से सवाल आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स साथ में बनाते जाएं। जब जब मैं बोलूं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें तो किया करें, आप ही का भला होगा। जो आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswallahalakhpandey.com से इस लेक्चर के आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में भी लिंक मैंने दे दिया है या मैं दे दूंगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मीटर ब्रिज। क्या है ये है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भैया इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ ना कुछ काम करता होगा, तो इसका काम है टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देता है कोई। हमको किसी ने कोई तार दिया, कोई रेजिस्टेंस दिया, बोला बताओ इसका कितना रेजिस्टेंस है, हमने कहा मीटर ब्रिज इस्तेमाल करके हम इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बताएंगे। तरीके और भी हैं पर ये सबसे बेस्ट तरीका है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का। अगर बात करें ये वर्क किस पे करता है, तो इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। याद आ रहे हैं बीते लम्हे, सब पहले पढ़ा है आपने, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे मीटर ब्रिज बेस्ड है। बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज याद है, यहां पे हमने एक टर्मिनल ए लिया, यहां से कुचुक 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 एक रेजिस्टेंस, फिर कुचुक 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 दूसरा रेजिस्टेंस, कुचुक 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 तीसरा, कुचुक 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 चौथा, और ये बी टर्मिनल। फिर हम बोलते थे कि अगर ये R1 हो, ये R2 हो, ये R3 हो, ये R4 हो, इस पॉइंट को बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। तो हम बोलते थे C का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के बराबर होगा अगर 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 R1 by R2 is equals to R3 by R4 हो जाए। अगर यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो हो जाए तो सी और डी का पोटेंशियल सेम, और अगर सी और डी के बीच में हम एक वायर लगा दें, सी और डी के बीच में, तो उस वायर में कितना करंट बहेगा, जीरो। ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, पहले समझो करंट कितना बहेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, करंट फ्लो करता है हायर से लोअर पोटेंशियल। करंट को बहने के लिए क्या चाहिए होता है, करंट को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर इसका काम होता है टू मेजर, या ऐसे लिख लो टू डिटेक्ट एनी करंट। अगर इस ब्रांच में एक छोटा सा करंट भी होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर या इधर हिल जाएगी। इस ब्रांच में छोटा सा करंट भी हो, मिली एम्पियर का भी, तो भी ये हिल जाएगा। पर यहां गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल बराबर होगा अगर R1 by R2 R3 by R4 के बराबर हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मीटर ब्रिज। नोट करें,
जितने भी ये डिवाइसेस होंगे जो नल पॉइंट पे नो डिफ्लेक्शन अभी कह लो नो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होंगे ना वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू देते हैं. जितने भी इंस्ट्रूमेंट नो डिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू देते हैं. इसीलिए ये एक्यूरेट वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की. नल पॉइंट मेथड भी कहते हैं. अभी नल पॉइंट दिखाएंगे क्या होगा. जितने भी इंस्ट्रूमेंट नल पॉइंट मेथड पे काम करते हैं किस पे काम करते हैं नल पॉइंट मेथड अभी बताते हैं इसको भी वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं. ठीक है तो ये समझ में आ गया. व्हीट स्टोन ब्रिज याद आ गया. बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो. इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर चिपका दें तो वो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा. उसको हम नो डिफ्लेक्शन देते हैं या नल पॉइंट भी लिखते हैं. ठीक है अभी समझते हैं. क्लियर हो गया. अब देखा जाए मीटर ब्रिज कैसे बनता है. समझ में आ गया. अननोन रेजिस्टेंस मेजर करेगा. देखा जाए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी वर्किंग क्या है और कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं. आइए तो देखो इसका नाम क्या है. इसका नाम है मीटर ब्रिज. मीटर तो कुछ मीटर वाला भी होना चाहिए यहाँ पे है ना. मीटर मीटर मतलब अगर हम एक मीटर लंबा एक वायर लें ये हमने एक वायर लिया. मान लेते हैं कि ये वायर हमारा एक मीटर लंबा है इसीलिए नाम पड़ा मीटर ब्रिज. इसमें जो हम वायर यूज करते हैं वो एक मीटर लेंथ का होता है. ठीक है वैसे हम जब सवाल वाल करेंगे तो हम सेंटीमीटर में डील करेंगे तो हम कह सकते हैं एक मीटर या 100 सेंटीमीटर का हमने वायर यूज करना है. ठीक है अब क्या करेंगे हम आगे ध्यान दीजिए. हमने यहाँ पे एक कॉपर की प्लेट लगाई. यहाँ पे एक और कॉपर की प्लेट लगाएंगे. यहां पे एक और कॉपर की प्लेट लगाएंगे. ठीक है इस तरह से. ये भी कॉपर की प्लेट है. थिक कॉपर प्लेट मेटैलिक प्लेट बोल दो. एनसीईआरटी मेटैलिक बोलता है. कई किताबें बता देती हैं कि भाई कॉपर ही यूज करो सबसे बेस्ट कंडक्टर है. ठीक है कोई बहुत ही अमीर होगा अंबानी अंबानी साहब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिल्वर यूज कर सकते हैं. ठीक है उनके पास बहुत पैसा है. तो यहां पे हमने क्या लिया. एक तो हमने वायर लिया कितना लंबा एक मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा. एक और खास बात कि इस वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो. हम तो ऐसे मोटा पतला बना दिए बट इट शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. इसका एरिया अलग अलग ना हो हर जगह इसका एरिया सेम हो. यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए तो हर जगह ए हो. दूसरी बात ये वायर आपको किससे बनाना है. ये वायर आप बनाओगे एलॉयज से. ऐसे एलॉयज यूज करो जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना हो. फिर से ऐसे एलॉयज यूज करो जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना हो. हमने ऐसे एलॉयज आपको बताए हैं मैंगनीन यूज कर लो या कौन सा बताया था कॉन्स्टेंटिन बताया था. तो या तो कॉन्स्टेंटिन का वायर यूज कर लो या मैंगनीन का. फायदा क्या होता है कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है इन अलॉयज का उस पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता. मतलब एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस वायर में करंट फ्लो करेगा बता दे रहे हम इस वायर में करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है. भाई टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो हम वायर ही ऐसा चुन लेंगे. हम अपने आप ऐसा वायर चुन लेंगे जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो. ऐसे इंडिपेंडेंट भी नहीं होता थोड़ा बहुत चेंज होता है बट बहुत स्मॉल. बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी थोड़ी सी बदलेगी. तो ऐसा वायर लो जिसको टेम्परेचर से फर्क ना पड़े. इसमें से करंट जा रहा है गर्म हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना वरना वैल्यूज गलत आने लगेंगी अपनी. अच्छा ये क्या लिया हमने. यहां पे हमने ली थिक मेटालिक प्लेट. ठीक है अब यहां पे कॉपर आप यूज कर सकते हो. ठीक है बाकी मैंने बता ही दिया अगर आप है ना आपको अगर पॉकेट मनी बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं तो सिल्वर यूज़ कर लो.
ये भी थिक कॉपर प्लेट, ये भी थिक कॉपर प्लेट, ये भी थिक कॉपर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल को हम बोल देते हैं चलो ए, इस टर्मिनल को हमने बोल दिया बी, दो टर्मिनल हो गए हमारे पास। अच्छा, फिर यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया ए ऐसे, ये है हमारा आर, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू चाहिए, दिस इज आर अननोन रेजिस्टेंस, यही हमें फाइंड करना है। और यहां से हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, एनसीईआरटी में यहां पे भी एक रेजिस्टेंस बना होता है, बट एक्चुअली में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। और रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि ऊपर आपके पास पिंस हैं, आप पिंस चेंज करो, खोजते जाओ, निकालते जाओ, अपने आप एक सेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकते हो जो चाहो। इसको हम लिख देते हैं आर बॉक्स, है ना, डिजायरेबल रेजिस्टेंस आप यहाँ पे अपना रख सकते हो। तो यहाँ का रेजिस्टेंस हमने लिख दिया एस, विच इज योर डिजायरेबल, है ना, या एकदम हिंदी में समझो, मतलब सिंपल भाषा में, तो नोन रेजिस्टेंस हमने एक रख लिया, क्या रख लिया, एक नोन रेजिस्टेंस हमने रख लिया, ठीक। एक हमने स्केल ली यहाँ पे ए, ये डेफिनेटली एक मीटर लंबी स्केल ले ली हमने, मीटर स्केल, कुछ ना कुछ इसका भी काम होगा, डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू डट 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 ड्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मीटर स्केल रख ली। इस जगह से यहाँ से हमने एक वायर निकाला, उसमें गैल्वेनोमीटर बांध दिया, और यहाँ से इसमें एक जॉकी बांध दी जे, क्या बांध दी, जॉकी, ठीक है। जे जॉकी क्या होता है, एक मेटल का रॉड होता है, आगे से नाइफ एज वाला, ठीक है। व्हाट इज जॉकी जे, इट इज, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, व्हाट इज जॉकी जे, इट इज मेटल रॉड विथ नाइफ एज, एकदम शार्प एज वाला एक मेटल का रॉड है ये, ठीक है। और यहाँ पे जॉकी ला के हमने टच करा दी, ये पॉइंट ए, ये बी। अब हम यहाँ से भाई एक काम करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तो यहाँ से एक टर्मिनल बना लो, यहाँ से बना लो टर्मिनल, और हमने ले जाके सेल कनेक्ट की, बैटरी लगा ली, ठीक है। हमने एक बैटरी से इसका पूरे का कनेक्शन दे दिया, चाहो तो यहाँ पे एक की वगैरह भी लगा दो कि जब की क्लोज करेंगे तभी सर्किट ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ से करंट आएगा, करंट के पास दो रास्ते होंगे, एक इस तरफ आ जाने के, एक इस तरफ जाने के। कई लोग यहाँ से सेल बनाते हैं, वो भी सही है, इस जगह से सेल बना देते हैं ए बी से, वो भी ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से बना दो। तो करंट के पास दो रास्ता होगा, या तो इधर निकल जाए या तो इधर आ जाए, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ए बी, इस पॉइंट को बोल दिया सी, और जहाँ पे आके जॉकी टच कर रहा उस पॉइंट को बोला डी, ठीक है। इस डी पॉइंट का भी अपना महत्व है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन हमारा मीटर ब्रिज का। एस की वैल्यू आप सेट कर सकते हो, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ये एक हमने वायर लिया है जिसके बारे में बस इतना पता है कि उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और किसी अलॉय का बना है, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन का, ताकि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, क्लियर है। इतनी चीज़ हमने की, वैसे किताब में देता नहीं कि किसका वायर लो, आप किसी का वायर लगा दो, बट जो आइडियल वायर्स होते हैं वो मैंने बताए, क्लियर है। और यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर कॉपर उठा लिया, बेस्ट और चीप भी हो। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम खोज स्टार्ट करते हैं नल पॉइंट की, ठीक है। सब नोट कर लिया आपने, मिटा दें, हम ये मिटा दें, नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद हम खोज स्टार्ट करते हैं एक नल पॉइंट की, इसकी खोज करते हैं। हमारा मेन काम होता है, अब यहां से क्या ढूंढना, हमारा काम होता है नल पॉइंट ढूंढना। नल पॉइंट बच्चों, इस वायर पे ऐसा पॉइंट जहां पे ये जॉकी टच कराने पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, है ना। इस जॉकी को हमने यहाँ से उठाया, यहाँ टच कराया, यहाँ टच कराया, यहाँ यहाँ, इधर टच कराया तो रुर इधर घूम गया, इधर टच कराया रुर इधर घूम गया,
ऐसे ही पता चलता है कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। नल पॉइंट ढूंढने का तरीका होता है कि हम जॉकी को लेकर यहाँ टच कराए तो गैल्वेनोमीटर इधर घूम रहा है, यहाँ टच कराए इधर घूम रहा है, तो कहीं बीच में ऐसा होगा कि गैल्वेनोमीटर का डंडा सीधा हो जाएगा, ना पॉजिटिव करंट होगा ना नेगेटिव करंट होगा। तो हम इधर लाए रुर करते करते एक पॉइंट हमें डी मिल गया, एक पॉइंट हमें डी मिल गया वेयर जी शोज नो डिफ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। और इस सिचुएशन में देयर इज नो करंट इन द ब्रांच सी डी, नो करंट इन ब्रांच सी डी, सी डी ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। अब कुछ कुछ ये आपको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखने लगा। जरा आराम से इस पे ध्यान दीजिए। अभी आप बोलेंगे सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हुआ, एक रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये, बचे हुए दो रेजिस्टेंस कहाँ हैं? ये वायर भी तो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। मान लेते हैं, इसको मिटा दें, मान लेते हैं लेट स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने आर मान लिया, है ना। आर क्या, लेट आर ओम पर सेंटीमीटर, लेट आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है, अब भाई ये जॉकी तो आप ही रख रहे हो ना जगह जगह। अच्छा, जॉकी ऐसे घिसना नहीं, कई लोग लिख रहते हैं कि स्लाइड द जॉकी, स्लाइड नहीं करना। स्लाइड करने से क्या होगा, वायर छिल जाएगा, तो उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा हो जाएगा, तो वो नहीं करना है आपको, एकदम नहीं। यू शुड नॉट स्लाइड जॉकी, यू शुड लिफ्ट इट एंड प्लेस इट, लिफ्ट इट एंड प्लेस इट। लैब में भी जाके ऐसे ऐसे खींच 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 मत करना, बड़ा मजा आया की गिटार बजा रहे हैं टिंग टिंग ना। तो जॉकी को उठा के यहाँ हमने खुद ही रखा है। अगर आप खुद ही रखे हो तो भाई स्केल से आप रीडिंग तो पढ़ सकते हो, स्केल पढ़ना वढ़ना तो आपको आता होगा, बहुत बढ़िया है ना, बड़े हो गए आप। तो आपने रीडिंग पढ़ी स्केल की और यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग को आपने बोल दिया L, मान लो ये L है, पूरा है ये 100 सेंटीमीटर, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा इस तरफ, अगर वो 100 है तो बचा हुआ मेरे ख्याल से हो जाएगा 100 माइनस L, बोलो सही है। अगर ये L है तो बची हुई लेंथ 100 माइनस L। ऐसा करते ही आप इतने का रेजिस्टेंस और इतने का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच ए डी विल बी R इंटू L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को R माना है, R ओम पर सेंटीमीटर, और उसको L सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच डी बी विल बी R इंटू 100 माइनस L। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस ये हो गए, दो रेजिस्टेंस ये हो गए, इनके बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ये हमने ढूंढा है। क्या ढूंढा है, नल पॉइंट। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नल पॉइंट पे काम करते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, क्योंकि उस टाइम करंट नहीं फ्लो कर रहा बीच से, तो कोई लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा इसका एक व्हीट स्टोन बनाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट्स उठाते हैं ए बी सी एंड डी। ए से सी के बीच में ये कौन सा रेजिस्टेंस है, आर, आर लगा दिया, बोलो सही है। ए से सी के बीच में, ए से डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला, इसको हमने बोला है आर ए डी, आर ए डी। सी से बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, बॉक्स का रेजिस्टेंस जो कि हमें पता है एस, ये अननोन था। डी से बी के बीच के रेजिस्टेंस का भी हमने नाम दे रखा है, क्या नाम दिया है, आर डी बी। और ये लगा है गैल्वेनोमीटर और हमने बोला है कि इस टाइम करंट जीरो है, नो डिफ्लेक्शन। ये हमने खुद से ढूंढा ऐसा पॉइंट, मेहनत करके हमने बैलेंस व्हीट स्टोन बनाया, भाई साहब बना नहीं था, कहीं भी रख दोगे तो करंट फ्लो करेगा। हमने ढूंढा ऐसा पॉइंट, रख रखे, इधर गए तो इधर गए तो इधर, है ना। मान लो हम यहाँ पे आए, इधर डिफ्लेक्ट किया, इधर गए और इधर गए और इधर, तो इधर जाने का मतलब ही नहीं। ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढ लो
जिसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में जा रहा हो, फिर बीच में आते जाओ चुक मिल जाएगा, ठीक है। एकदम जीरो होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट जीरो डिफ्लेक्शन, दूर दूर के मिलेगा। जैसे आपको लगा मान लो 40 से 50 के बीच में है, 45 पे आए नहीं मिला, फिर 46 पे आए नहीं मिला, 47 पे आए डायरेक्शन चेंज हो गया, तो समझ गए कि 45 से 47 के बीच में है, फिर उसमें धीमे धीमे दूर है, तो ऐसे दूरा जाता है। अच्छा खैर, अगर ऐसा हो रहा है तो सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो आर अपॉन आर ए डी शुड बी इक्वल टू एस अपॉन आर डी बी, यानी कि आर अपॉन आर ए डी को आप क्या लिख सकते हो, आर एल इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर डी बी को क्या लिख सकते हो, आर इंटू 100 माइनस एल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतने का रेजिस्टेंस लेंथ इंटू आर, आर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका रेजिस्टेंस ये पूरा 100 है, 100 सेंटीमीटर लंबा, तो 100 माइनस एल इंटू आर। यहाँ से आर और आर हो गया कैंसिल, और यहाँ से आपको अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू मिल रही है एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। खूबसूरती के साथ आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। दिस इज हाउ अ मीटर ब्रिज वर्क्स, बहुत बेसिक बात हुई। यहाँ से बहुत हल्के फुल्के सवाल आपको मिल सकते हैं बोर्ड में कि कंस्ट्रक्शन बता दो, जॉकी को क्यों नहीं स्लाइड करना चाहिए, याद रखेंगे वाइस जॉकी शुड नॉट बी स्लाइडेड बिकॉज इट विल इफेक्ट दी क्रॉस सेक्शन, है ना, इट विल चेंज दी क्रॉस सेक्शन। मान लो स्लाइड किया, इस तरफ ज़्यादा स्लाइड कर दिया, इधर खुरच गया, इधर का क्रॉस सेक्शन कम हो गया, क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, है ना। यहाँ पे घिस दोगे तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस इधर का ज़्यादा उधर का कम, फिर लेंथ के साथ रिलेशन नहीं मैच करेगा, हम तो मान रहे हैं आर पर यूनिट लेंथ है इसलिए घिसना नहीं चाहिए। दूसरा पूछ लेगा वायर कॉन्स्टेंट एंड मैग्नेट का क्यों बनाते हैं, बता चुके। पूछेगा इसको मेटेलिक क्यों बनाते हैं, ताकि कोई लॉस ना हो, करंट एकदम बढ़िया जाए सब में, यही सब आ सकता है। पूछेगा कि व्हाट इज नल पॉइंट, नल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके लिए देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, टू डिटेक्ट एनी इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, नॉट टू मेजर। मेजर करने की इसके पास क्षमता नहीं है, उसके लिए एमीटर की जरूरत पड़ती है, इसी से बनता है एमीटर भी, डिटेक्ट करता है कि कुछ है कि नहीं है करंट। क्लियर है, हो गया। तो फाइनल रेजिस्टेंस इज एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। देखो ऐसे ऐसे याद मत करना ये फॉर्मूला, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, यो बाय यो इज इक्वल्स टू यो बाय यो, ये अपॉन इसका रेजिस्टेंस आर इंटू एल, ये अपॉन इसका रेजिस्टेंस आर इंटू 100 माइनस एल, तो आर आर तो कट ही जाएगा। मतलब ये वाली कहानी याद रखो, आर बाय एल इज इक्वल्स टू एस अपॉन 100 माइनस एल। क्लियर हो गया, चला जाए सवालों की तरफ, मिटा दें इसको। चलिए अब चलते हैं हम सवालों की तरफ, और इसमें बहुत सी बातें होंगी अभी अंदर, अभी तो सिर्फ बिगनिंग हुई है कंसेप्ट की। तो पहले इसका हम बहुत ही आपको एक हलवा सा सवाल देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पलक झपकते ही आप वो सवाल करके मुझे दिखा देंगे। और सवाल है बहुत ही आसान सा हलवा सवाल, ठीक है। ये हमको एक मीटर ब्रिज की पूरी कहानी दे रखी है, ये हमको वायर दे रखा है, यहाँ रेजिस्टेंस हमसे बोल रखा है आर, वी हैव टू फाइंड दिस अननोन रेजिस्टेंस आर, इस तरफ एस की जगह दो रेजिस्टेंस लगा दिए, एक 12 ओम एक 4 ओम। हमसे बोला है कि नल पॉइंट जो हमको मिला है वो 40 सेंटीमीटर पे मिला है, यहाँ 0 सेंटीमीटर है, यहाँ 100 सेंटीमीटर है, तो हमें जो नल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ है वो नल पॉइंट हमको 40 सेंटीमीटर पे मिला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सिंपल सा सवाल, पलक झपकते कर देना चाहिए, 1 2 3 4 पॉज करके क्वेश्चन कर दो, खलास। तो भाई हमने क्या बोला, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो करना है, है ना, ये अपॉन इधर की लेंथ, ये अपॉन इधर की लेंथ। अरे भाई 100 माइनस एल क्या मतलब, 100 माइनस 40 मतलब इधर की लेंथ हो गई 60, इधर की लेंथ हो गई 40। भाई इतने का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 इंटू स्मॉल आर, और इतने का रेजिस्टेंस यहाँ तक का 60 इंटू स्मॉल आर, यहाँ तक का
60 इंटू इसमें आ 4 तो आर आर तो हटाओ, मैंने बोला ये अपॉन ये लेंथ ये अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 और 4 का इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 12 और 4 का इक्विवेलेंट आएगा आर इज इक्वल्स टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू लगा देंगे, तो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 तो 12 फोर 16 3। कई बार मैंने बताया भी है कि 12 4 का इक्विवेलेंट आता है 3 ओम, तो इन दोनों को हटा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इनकी जगह नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया, खेल खत्म 3 ओम का। अब 3 अपॉन ये लेंथ ऐसे करना है मीटर ब्रिज के क्वेश्चन, 3/40 इज इक्वल्स टू आर बाई 60, ये अपॉन इधर की लेंथ ये अपॉन इधर, अरे भाई ये अपॉन इधर का रेजिस्टेंस कितना होगा आर इंटू 40, इधर का आर इंटू 60 है, आर आर कैंसिल हो गया स्मॉल आर खत्म, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ से आर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 6, 2 2 4 2 3 6 3 3 9/2, फाइनल आंसर इज रेजिस्टेंस इज 4.5 ओम। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही हलवा सवाल। चलें अगले सवाल की तरफ, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, बीच से देखो तार गया है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कुछ नहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही सवाल है, ठीक है। अच्छा अगला हलवा सवाल देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही हलवा सवाल हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से इसको उड़ा दीजिए आप। एक आर रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारा 1 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, अलग अलग तरह से बनाते हैं सब, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, और यहां पे हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो हमको इस तरह से मीटर ब्रिज बना के दिया है, कुछ नहीं है, ये अपना नॉन रेजिस्टेंस हो गया ये लेंथ, ये नॉन रेजिस्ट या नॉन रेजिस्टेंस ये निकालना है, हमसे बोला है कि इस बार जो नल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ है वो नल पॉइंट हमको 25 सेंटीमीटर पे दिखा है, कई बार नल पॉइंट गायब कर देता है सवाल से तो बाकी चीज़ें दी रहती है, समझ गए हो ना, कर लोगे, ये 25 सेंटीमीटर फाइंड आर, अननोन रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ना देके ऐसे घुमा फिरा के दिया, फाइंड आर जल्दी से करो, ये भी हलवा सवाल है, पलक झपकते करने वाला, 1 2 3 4 पॉज करके उड़ा दो सवाल को, पॉज करो उड़ा दो, 1 2 3 4 चलिए हम करने जा रहे हैं। तो 6 3 2 पैरेलल में, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1, तो इधर इन सबको हटा के आप लगा सकते हैं 1 ओम, 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, LCM हो गया 6, इधर 1 3 2 6 2 3 6 2 3 5 1 6 6/6 1, 1/r की वैल्यू 1 तो r की वैल्यू भी 1, तो इन सब को हटा के आप सिंपली यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इधर हमारे पास r और 4 है तो इनका इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा, r और 4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r1 इनटू r2 यानी 4r अपॉन आर वन प्लस आर टू आर प्लस 4, ये इधर का रेजिस्टेंस हो गया, तो इन दोनों को रिमूव करके हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 4R अपॉन आर प्लस 4। अब बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो 1 अपॉन इधर की लेंथ, ये लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और इधर की लेंथ कितनी हो जाएगी बची हुई 75, 100 माइनस एल ई है 75, तो ये अपॉन ये 1 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 4R अपॉन R प्लस 4 अपॉन 75, इधर का अपॉन इधर की लेंथ, इधर का ये अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा स्मॉल R इंटू 25, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल R इंटू 75, स्मॉल R कैंसिल, 25 1 25 3 75, 3 इधर आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 4R अपॉन R प्लस 4, ये इधर गया, 3R प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4R, ये इधर जाएगा, R इज इक्वल्स टू 12 ओम, सो द अननोन रेजिस्टेंस इज 12, क्लियर।
ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम सही है। आ गया समझ में? तो हो सकता हो एक ही रेजिस्टेंस दे, हो सकता हो कॉम्बिनेशन दे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आपको आता है तो इसके सवाल में कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह लेंथ दे देता है, तो ये अपॉन यहाँ की लेंथ, ये अपॉन यहाँ की लेंथ, क्लियर है। अगला सवाल दें, चलिए अगला सवाल बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे बेस्ड है, वैल्यूज थोड़ी सी मैंने इसका नाटकीय रूपांतरण कर दिया है वैल्यूज़ का, मतलब ऐसी वैल्यूज ली हैं जो अभी सॉल्व हो पाए, ठीक है, वरना किताब में जो वैल्यूज ली हैं फ्रैक्शन वाली हैं बहुत ही गंदी, तो गंदी गंदी वैल्यूज को हटा के थोड़ी अच्छी वैल्यूज मैंने ले ली। जरा देखें क्या क्वेश्चन है, वो हमको यहाँ पे मीटर ब्रिज बना के दे रहे हैं। ठीक है, ये अपना एक एस रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है ना? अच्छा, इन्होंने हमसे कहा द नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर लंबा वायर होगा हमेशा, ठीक है, इस पर डाउट नहीं करना। जब भी सवाल मीटर ब्रिज का हो तो भाई नाम ही है मीटर ब्रिज, तो पूरी लेंथ हमेशा 1 मीटर, इधर 0 सेंटीमीटर होगी, इधर 100, इसमें मत सोचना कि भाई जब भी बोले कि नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे है तो वो बच्चों वाला सवाल मत पूछना कि 40 सेंटीमीटर किधर से है, इस तरफ से है कि इस तरफ से है, इसको ए बोलेंगे इसको बी बोलेंगे, जब भी IIT में सवाल आया तब भी यही बोला है हर बार, और हमेशा ए से ही लेंथ देता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो ये सब मत सोचना कि 40 उधर से तो नहीं दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एकदम। नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा, इफ अ 2 ओम रेजिस्टर इज एडेड इन पैरेलल टू एस, द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू शिफ्ट्स टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड आर एंड एस। यहाँ पे दोनों गायब कर दिया, कंसेप्ट है फाइंड आर एंड एस। पहले बोला कि हमें नल पॉइंट कहाँ मिल रहा, 40 सेंटीमीटर पे, फिर हमने एक 2 ओम का रेजिस्टर उठा के एस के पैरेलल में चिपका दिया, एस के पैरेलल में चिपकाएंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जिससे बैलेंसिंग लेंथ भी कहीं और आएगी, तो बैलेंसिंग लेंथ 25 पे आई, कम से कम फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। चलिए, पलक झपकते ही सॉल्व होने वाला सवाल ये भी है, हलवा सवाल है, कोई दम नहीं इसमें, 1 2 3 4, वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, 1 2 3 4, हो गया हो गया। आय हाय गोपली, आय हाय गोपनी, आय हाय, हो गया है। चलिए हम करें, तो पहले एस आर और बैलेंसिंग लेंथ 40 पे है, तो स्टार्टिंग के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो एस बटे ये कितनी लेंथ हो जाएगी 40 और ये कितनी लेंथ हो जाएगी 60, 100 माइनस 40, तो एस बटे 40 इज इक्वल्स टू आर बटे 60। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से s by 4 is equals to r by 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3s is equals to 2r, 3s is equals to 2r। तो पहले आपको एक चीज़ ये मिला, पहला डेटा 3s is equals to 2r, इसको इक्वेशन 1 मान के रोक लो अपने पास। फिर आगे देखो एक और इन्फॉर्मेशन दी है, अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ अ 2 ओम रेजिस्टर इज एडेड इन पैरेलल टू s, s के साथ एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, तो भाई s के साथ 2 ओम लगा दोगे s और 2 ओम, और इधर तो वही सेम कहानी है क्या आर, और इस बार बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे आ रही है, इसको बैलेंसिंग लेंथ भी बोलते हैं, इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, कहाँ पे आ रही है 25 पे आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा इस बार 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, बोला है ना 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 ये 75, तो 2 और s पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका 2s अपॉन 2+s, यही होगा R1 plus R2, अच्छा डिवाइडेड बाई 25, और इस तरफ कितना है R ही है, R अपॉन 75, बोलो सही कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस अपॉन ये, बोलिए सही कर रहे हैं, दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका 2s अपॉन 2+s, वही रखा है 25 1s 25, 3s 75, 3 इधर जाएगा, 3 2s 6s,
इज इक्वल्स टू आर इंटू टू प्लस एस. तो सिक्स एस इज इक्वल्स टू टू आर प्लस आर एस. तो अब क्या किया जाए, अब उस इक्वेशन को यूज़ किया जाए. किसकी वैल्यू चाहिए हमें, आर एंड एस दोनों की चाहिए. तो यहाँ से आर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो. आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3s by 2 उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख देते हैं यहीं पे आर की जगह, 3s by 2 2 plus s. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इधर भेज दो, 2 6 12s is equals to 3 2 6s और ये हो जाएगा 3s square. तो इसको इधर ही ले आओ, 3s square minus 6s is equals to 0. यहाँ से 3s common हो जाएगा, s minus 2 is equals to 0. तो या तो s की value 0 है या s minus 2 की value 0 है. तो s की value या तो 2 है या तो s की value 0 है. और है ना, quadratic equation बन रही है, इसके दो root आ रहे हैं. r की 3s by 2 value रखोगे, 2 6 12 6s, ये इधर जाएगा माइनस 3s 3 2 6s 3s square, फिर 3s square इसको इधर लगे माइनस 6, 3s कॉमन हुआ, s माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो या तो s 0 या तो s इज इक्वल टू 2. तो डेफिनेटली s 0 नहीं होगा, है ना, जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, वरना कहानी कैसे बनेगी. तो s की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, 2 ओम. और s की इस वैल्यू के रिस्पॉन्डिंग r निकाल दो, r कितना हो जाएगा, 3 × 2/2. लो r की वैल्यू हो गई 3 ओम. सो s इज 2, आर एस 3. समझ में आया, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था. पहली बार एस बाई 40, आर बाई 60, फिर बोला 2 ओम लगा दिया, 2 ओम लगा दिया. इसका इक्वलन 2s/2+s, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हुई 25, ये अपॉन ये, बड़ा हलवा होता है. मिटा रहे, ठीक है. तो ये तो इसके बेसिक से सवाल हो गए, ठीक है. बोर्ड में यहीं तक सवाल आ रहे हैं इसके, बोर्ड में हद से हद यही सब चीज़ें पूछ रहा है. एक दो पॉइंट और पूछता है, बेसिकली एक पॉइंट और, वो भी अभी हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है, याद करने वाला है. बोर्ड में भी पूछ सकता है कि ये यही तरीका क्यों आपने चूज किया रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का, तो बोलना बिकॉज इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड. नल पॉइंट मेथड पे जो काम करता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है. इसके बाद आता है एक कंसेप्ट जो कि होता है एरर इन आर, ठीक है. तो 100% सही वैल्यू अभी भी नहीं है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, सबसे बेस्ट है, बट 100% एक्यूरेट नहीं है, अभी भी एरर इन आर है. और ये एरर किस वजह से आ रही है ये बताते हैं. अभी भी जो आपने मेजर किया है, यानी एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस आर, और ये एरर किस वजह से आ रही है, ये एरर आ रही है उस स्केल की वजह से. भाई जो भी स्केल बनी होगी उसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट मतलब उससे छोटी लेंथ वो मेजर नहीं कर पा रहा है ना. जैसे मान लो किसी स्केल का लीस्ट काउंट है, समझ लो 0.1 सेंटीमीटर, यानी 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के बीच की लेंथ को वो रीड नहीं कर सकता, उसकी लीस्ट काउंट ही 0.1 है. किसी स्केल की मार्किंग है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4, इसके बाद मान लो इसके बीच में उसने 10 डंडा खींच रखा है, तो 3.1 के बाद सीधा 3.2 है. मान लो जो L की वैल्यू आनी थी, जो बैलेंसिंग होनी थी, वो बैलेंसिंग 3.15 पे हो रही हो, है ना, बीच में एकदम, तो हम लोग या तो 3.1 लेंगे या 3.2 दिखाई नहीं पड़ेगा. तो ये इसकी एरर हो गई, इसलिए आर की वैल्यू में अभी भी एरर आने के चांस हैं, क्योंकि आप जो लेंथ मेजर कर रहे हो उस स्केल का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा. क्लियर हुई बात, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल. और एल गलत करोगे तो 100 माइनस एल भी गलत हो जाएगा, जिससे एरर बढ़ जाएगी. इधर भी गलत हुआ, उधर भी गलत हुआ, ओवरऑल एरर बढ़ गई. ध्यान से देखो, आर का फॉर्मूला देखते हैं. आर का फॉर्मूला क्या आया था, आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल. अरे दोनों ही लेंथ हैं, याद है, R इधर था, R अपॉन L, S अपॉन 100 माइनस L, ठीक है, दोनों ही लेंथ हैं, ये 40 तो ये 60, ये 20 तो ये 80. R इज इक्वल्स टू S इंटू L अपॉन 100 माइनस L. तो देखो R की वैल्यू में दो जगह से एरर आ रही है, इसकी वैल्यू भी गलत हो सकती है और ये गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा. क्यों गलत हुई, समझ में आया ना, क्योंकि हर स्केल का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा, कि उससे छोटी वैल्यू मेजर ही नहीं कर रहा है. 3.1 से 3.2 के बीच में उसे कुछ पता ही नहीं, जो लेंथ थी वो 3.17 थी,
आप उसको 3.2 मान लिए, तो गलती कर गया कि नहीं 0.03 की, है ना, तो मैटर कर जाती है, 0.03 इधर हुआ इधर भी हो गया। तो अगर हम यहाँ से एरर एनालिसिस याद करें, तो आपको याद है एरर एनालिसिस, मान लो कोई क्वांटिटी आर है, एस एल और 100 माइनस एल पे डिपेंड कर रही, याद है, मान लो कोई क्वांटिटी वाई है वो किसी पे डिपेंड कर रही होती थी ए बी अपॉन सी, तो डेल्टा वाई बाई वाई फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, इतना तो याद ही होगा 11 से एरर एनालिसिस, है ना, फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर बी, फ्रैक्शनल एरर इन सी। उसी तरह से अगर हम आर की एरर लिखें, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये होगी डेल्टा आर इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इतनी गलती हो सकती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई एस तो आप के पक्के लगा रहे हो ना, मेजर कर रहे हो, इसकी वैल्यू तो आप ही पुट कर रहे हो, रेजिस्टेंस बॉक्स में की लगा के आप ही एस डिसाइड कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि ये तो एक नॉन रेजिस्टेंस है, इसमें कैसे गलती होगी, इसकी वैल्यू तो हम खुद ही पुट कर रहे हैं। अब यहू गलत होगा तो ये तो गलत आएगा ही, एक और रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, दूसरा निकालने के लिए कैसे बैठे हो, पहले एक तो सही करो। सो नॉन रेजिस्टेंस है तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, तो जो एरर है यहाँ होनी है, यानी डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा इंटू 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। और लेंथ में कितनी एरर होगी, मैक्सिमम एरर ली जाती है, याद है मैक्सिमम एरर, एरर हमेशा मैक्सिमम ली जाती है और एरर हमेशा ऐड की जाती है, ये बात याद होगी। तो मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। अब स्केल यूज किया हो, क्या पता कोई बुद्धिमान आदमी हो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर वगैरह यूज करके पूरा बताए, जो भी इंस्ट्रूमेंट लोगे उसका कहीं ना कहीं तो एरर होगा, लीस्ट काउंट होता है, तो जो लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का वो मैक्सिमम एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो दे सकता है, हो सकता है उससे कम दे, हो सकता है ऐसा नहीं कि हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर ही एरर देता है, उससे कम भी दे सकता है, पर एरर के केस में हम भाई मैक्सिमम लेके चलते हैं। याद है हम एरर में कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यानी भाई हो सकता हो आर की वैल्यू आर ही हो, पर हो सकता हो इससे प्लस डेल्टा आर आगे जाए, माइनस डेल्टा आर पी, जैसे हम ऐसे लिख देंगे 5 ± 0.2 ओम, यानी 5.1 भी हो सकती है, पर हम 0.2 मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम एरर इतनी है। तो मैक्सिमम एरर किसी चीज में क्या हो सकती है, लीस्ट काउंट के बराबर, जैसे मान लो वही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3.1 और 3.2 के बीच की कहानी थी, मान लो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.10000009 है, अब आप 3.1 के आगे दिख रहा था, मान लो जो एक्चुअल वैल्यू लेंथ जो आ रही थी जो होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटली वो ये है, पर आपको 3.1 के आगे दिखा, तो आपने भाई 3.1 के आगे 3.2 समझ लिया, तो ओवरऑल आपने कितनी एरर की, करीब करीब 0.1 की, जो कि इस स्केल का लीस्ट पॉइंट था, काउंट था, इससे ज्यादा एरर तो नहीं कर सकते ना, यही सबसे गंदा केस होगा कि 3.1 के जस्ट आगे को भी 3.2 मान लिया। हाँ हमें पता है 3.1 के आगे को 3.1 मानोगे, ये मान रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है 3.1, अरे इतना इतना होता है स्केल, ऐसा थोड़ी ना कि दिख रहा है इतना इतना, 3.1 के आगे 3.2 दिखा, इतनी इतनी मार्किंग होती है, 1 मिलीमीटर इतना बड़ा सा पता भी नहीं चलता, तो हमें 3.1 के आगे 3.2 लगता है, तो मैक्सिमम एरर हमारी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। चलो अब एकदम बढ़िया समझ में आ गई ये बात, दिस इज एरर इन रेजिस्टेंस, दिस इज एक्चुअल रेजिस्टेंस, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल एक्चुअल लेंथ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ दू सेकेंड लेंथ एंड दिस इज सेकेंड एक्चुअल लेंथ, मिटा रहे, ठीक है समझ गए। अच्छा अब देखिए इस पर क्या सवाल दिया है एक बार IIT में, इस पर वैसे एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन भी है वो भी अभी बताते हैं, तो पहले सवाल करा देते हैं, इसके बाद जो डेरिवेशन बताएंगे वो अभी तक आया नहीं है तो वो भी पूछा जा सकता है, मेंस में पूछ सकता है, एकदम सीधा सीधा पूछ सकता है, या क्या पता सवाल बना के कंफ्यूज करके पूछे, पहले ये चीज़ देखो सिंपल सी, तो 2014 एडवांस में सवाल दिया, इसका एडवांस लाइक सवाल है नहीं बट दिया, क्या सवाल बोला कि यहाँ पे वही मीटर ब्रिज बना दिया हमको सुंदर सा, ठीक है
बढ़िया मीटर ब्रिज बना दिया, और ये हमको बोल दिया कि ये है कोई आर अननोन, ये बोल दिया है 90 ओम, और बोल दिया कि बैलेंस हो रखा है अपना 40 सेंटीमीटर पे, ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, गैल्नोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, नल पॉइंट हमको मिला 40 सेंटीमीटर पे, नल पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर। सवाल है फाइंड आर इफ द स्केल यूज्ड मेजर्स 1 मिलीमीटर। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन अपने पास 60 प्लस माइनस 0.15 ओम, 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, 135 प्लस माइनस 0.23 ओम, 135 प्लस माइनस 0.56 ओम। ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, इसमें एरर भी दे रहा है साथ में, है ना। और बताया है जो स्केल है वो 1 मिलीमीटर तक मेजर करती है, मतलब उसका लीस्ट काउंट। पॉज करें, 1 2 3 4 हो गया, पॉज करके ट्राई जरूर करें, तभी मजा आए सवाल में। कर लिया, अब हम करें, हो गया पॉज करके, ओके हम करने जा रहे हैं, अभी भी टाइम है, पॉज करके कर लो भाई, ट्राई जरूर किया करो। चलो तो भाई ये लेंथ कितनी है 40, और ये लेंथ कितनी है 60, तो हम बोलेंगे R बाई 40 इज इक्वल्स टू 90 बाई 60, 0 0 उड़ गया। R इज इक्वल्स टू 9 बटे 6 इंटू 40, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 20 60। चलो R बाई ये लेंथ, 90 बाई ये लेंथ, चलो R की वैल्यू तो एविडेंट है 60 ओम है, मतलब कि जो भी आंसर है या तो A है या तो B है, दोनों में 60 ओम। अब बात आई एरर निकालने की, एरर कहाँ हुई होगी, एक तो यहाँ पे जो हमने रीडिंग स्केल से की होगी उसमें गलती कर दिए होंगे, और यहाँ पे जो हमने रीडिंग की होगी उसमें हम गलती कर दिए होंगे, लेंथ में गलती किए होंगे, और वो गलती प्रोपोगेट कर गई होगी आर में। तो अगर हम मान लें कि ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल, है ना, तो आर बाई एल इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 माइनस एल, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, R by L is equals to 90 upon 100 minus L। यहाँ से R is equals to 90 into L upon 100 minus L। अब देखो डेल्टा R by R by 90 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें क्या एरर हो, कोई एरर नहीं होगा, तो क्या लिखोगे, डेल्टा L by L plus डेल्टा into 100 minus L upon 100 minus L। ये भी तो एक क्वांटिटी है अपने आप में, 40 सेंटीमीटर में आपसे गलती हुई होगी और आपसे 60 सेंटीमीटर में गलती हुई होगी, इसमें तो कोई गलती है नहीं, यही फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले बना था, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, यानी इसको मेजरमेंट में कितना गलती हुआ होगा, मैक्सिमम गलती लिखा जाता है, मैक्सिमम गलती कितनी होगी लेंथ मेजर करने में लीस्ट काउंट के बराबर, लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी 0.1, एल की वैल्यू कितनी है 40, ये क्या है डेल्टा 100 माइनस एल, यानी इसको मेजर करने में कितना गलती हुआ, इतना ही गलती होगा जितना लीस्ट काउंट है, हो सकता हो वही गलत दिखाओ, है ना, 60 दिख रहा हो सकता हो 60.0001 हो, या हो सकता हो 60.0009 हो, है ना, मतलब 60.1 टेंड कर रहा हो, 0.1 की गलती हो सकती है मैक्सिमम, तो 0.1 अपॉन 60 ये अपॉन ये, ऐसे ही करते थे ना हम लोग, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, इसकी मेजर में भी 0.1 की गलती हो गई, इसमें भी मैक्सिमम एरर देख रहे हैं, हो सकता हो ना हो, मैक्सिमम देखी जाती है हमेशा, इसीलिए प्लस माइनस लिखा होता है। डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर इंटू 0.1 बाई 40, यानी 1/400 1/600 लिख सकते हैं, पॉइंट आया 1/400 1/600, आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू कितनी आई है 60, तो 60 इंटू 1/400 1/600 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का 12, तो 1200, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 6 2 ज़ा, तो 2 आ जाएगा, 3 2 5, बोले सही, 4 3 ज़ा 12 3, 6 2 ज़ा 12 2, 2 तो 3 और 2 5, ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4 डेल्टा आर की वैल्यू, यानी 0.25।
तो 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल एडवांस क्लैक सवाल नहीं था, समझ में आ गया, तो यही पूछ लेता कई बार, एरर मिटा रहे, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार ये बोलता है कि एक डेरिवेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी पूछा नहीं गया पर क्या पता किसी यार आपसे पूछ ले, डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, हो सकता है पॉइंट में पूछ ले, बोर्ड में पूछ ले, कि व्हेन इज द एरर मिनिमम, आप सबसे बढ़िया आर की वैल्यू कब निकाल सकते हो, सवाल व्हेन इज द एरर मिनिमम, ऐसे बोल दो व्हेन विल यू गेट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ठीक है, तो समझना समझना, अगर बैलेंसिंग लेंथ को किसी तरह से, नल पॉइंट को किसी तरह से हम एकदम बीच में पहुंचा सके तो उस टाइम एरर मिनिमम होती है, एल की वैल्यू जब 50 लोगे उस टाइम पे एरर सबसे मिनिमम होगी, मिनिमम, जैसे हम लिखें डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा एल बाई एल और क्या था, प्लस डेल्टा इंटू 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, ये था, हमें मिनिमम एरर चाहिए, डेल्टा आर की वैल्यू मिनिमम करनी है, है ना, मतलब इस चीज़ को मिनिमम करना है तो कुछ इस पे ये डिपेंड कर रहा है, थोड़ा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत, डेल्टा आर चेंज इन आर को डी आर लिख लिया अपॉन आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल प्लस डी इंटू 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, सही है, डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल, डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं 100 को और एल को विथ रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल, विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग है, यहाँ पे हम एक तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल देख रहे हैं, तो 100 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही आना चाहिए जिसके टर्म्स में लो, ये तो जीरो हो गया, बचेगा क्या, माइनस डी एल अपॉन 100 माइनस एल, ये बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको डी आर की वैल्यू कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए, व्हेन इज द एरर मिनिमम, यू वॉन्ट डी आर टू बी मिनिमम, तो अगर ये चीज़ मिनिमम चाहिए तो ये अपॉन इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, जैसे हम बोल दें मान लो y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है जीरो, वहाँ पे y की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, हम आपको प्रूफ कर रहे हैं, हम आंसर बता रहे हैं, जब आप जॉकी को 50 सेंटीमीटर पर रख लो किसी तरह से, बता रहे हैं अभी कैसे, तब मिनिमम एरर होती है, पर हम दिखा रहे हैं कैसे, मान लो y x का फंक्शन है तो y की वैल्यू मिनिमम कब आती है, जब dy बाई dx जीरो हो जाए, है ना, तो यहाँ से हम डी आर बाई डी एल को जीरो करना है हमें, तो डी आर बाई डी एल को हमें जीरो करना पड़ेगा, तो डी आर बाई डी एल यहाँ से निकालो, पहले डी आर बाई डी एल इज इक्वल्स टू आर इंटू वन अपॉन एल माइनस वन अपॉन 100 माइनस एल, तो हो गया आर, नीचे एलसीएम हो जाएगा एल इंटू 100 माइनस एल, ऊपर 100 माइनस एल और माइनस एल, यानी 100 माइनस 2L, ये हो गया डी आर बाई डी एल। अब भाई डी आर की वैल्यू आपको मिनिमम करनी है, तो मिनिमम कब होगी, और वेरिएबल कौन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डी एल पे, तो कब होगा, जब डी आर बाई डी एल की वैल्यू कितनी कर दें आप, जीरो कर दें, तो डी आर बाई डी एल को हमने जीरो कर दिया, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी जीरो हो गई, दिस इम्प्लाइज आर अपॉन एल इंटू 100 माइनस एल इंटू 100 माइनस 2L इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ये उधर जाके जीरो, आर भी जीरो, यानी 100 माइनस 2L इज इक्वल टू जीरो, 2L इज इक्वल टू 100, एल इज इक्वल टू 100 बाई 2, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो अगर नल पॉइंट को हम 50 सेंटीमीटर पे ला सके, बोलो समझ में आया, हमने ये लिखा डेल्टा की जगह डी लिखा, फिर इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो, एल का माइनस डी एल, फिर हमने कहा भाई अगर कोई चीज़ मिनिमम चाहिए होती, वाई मिनिमम चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो कर दो, तो डी आर बाई डी एल को मैंने जीरो किया, डी आर बाई डी एल निकालने के लिए हमने ये किया, आर को इधर भेजा वन बाई एल, ये फिर एल सी एम हुआ, ये 100 माइनस एल माइनस एल, तो 100 माइनस 2L हो गया, फिर ये कहानी थी, फिर डी आर बाई डी एल को जीरो करना था तो जीरो किया, तो ये जीरो, ये इधर जाके जीरो हो गया,
आर जीरो, 100 माइनस 12 इज इक्वल जीरो, 12 इक्वल 100 इज इक्वल 50। तो अगर आप बैलेंसिंग लेंथ को अपने नल पॉइंट को 50 सेंटीमीटर पे ला सको, देन एट दैट टाइम यू विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर। अब आप बोलोगे ये कैसे करें, हम तो एस लगा रहे थे, एल तो अपने आप आ रहा था। नोट करना हो नोट कर लो, बताएं फिर। नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि सबसे बढ़िया वैल्यू तब आएगी जब आप नल पॉइंट को ही 50 पे ले आओ। मतलब हम क्या करने को कह रहे हैं ना, अब ये चीज़ पूरी कहानी क्या कह रही है, ये कहानी ये कह रही है कि नल पॉइंट पहले से फिक्स कर लो, बता रहे, टेंशन नहीं लो, समझा रहे, ये कह रहे हैं नल पॉइंट आप पहले से फिक्स कर लो। यहाँ याद करो क्या लगाया था हमने, हाँ इसी दिन के लिए तो लगाया था रेजिस्टेंस बॉक्स, शोबाजी के लिए थोड़ी ना था कि सर सिखाने के लिए बनाया है, सीखो। अब इन्होंने कहा कि आप नल पॉइंट पहले से अगर फिक्स कर लो, किस पे, 50 सेंटीमीटर पे ले लो, पहले ही फिक्स कर दिया 50 सेंटीमीटर फिक्स है। अगर आप नल पॉइंट यहाँ पहले से फिक्स कर लो तो आर की वैल्यू में सबसे कम एरर रहेगा। अब आप कहोगे सर नल पॉइंट अगर फिक्स ही हो जाएगा तो ये कैसे श्योर होगा ये बाई ए इज इक्वल टू ए बाई ए, ये कैसे श्योर होगा इसमें करंट जीरो नहीं है, आपने पहले ही उठा के यहाँ पे जॉकी को रख दिया तो ये कैसे श्योर होगा इसमें करंट नहीं आएगा, भाई तब तो करंट आ सकता है। देखो आप इसको फिक्स कर दो, ठीक है, और आप इसको तो वेरी कर सकते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स में तुम पिन ज़्यादा या कम करके रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो, बड़ा घटा सकते हो, निकाला लगाया, निकाला लगाया, देखा जहाँ पे करंट जीरो हुआ काम बन गया। तो मतलब ये चाह रहे हैं ना कि आप एस की वैल्यू को लगातार वैरी करो, इसको फिक्स कर लो और एस को वैरी करना स्टार्ट करो। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में दोनों का कॉम्बिनेशन चलाया जाता है कि हम कोशिश करते हैं बैलेंसिंग लेंथ 50, 49, 48, 51, 52 के आसपास फंस जाए। असल में लैब में हम कोशिश करते हैं कि ये 52, 53, 54 इधर 46 तक में काम बन जाए, इसको भी चेंज करते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को भी, और करते 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 कहीं सिचुएशन ऐसी मिल जाती है कि आर अपॉन दिस इज इक्वल टू एस अपॉन दिस। अगर यही मिल गया तो वेल एंड गुड, तब तो भैया देखो क्या होने वाला है, आर बाई 50 इज इक्वल टू एस बाई 50, आर इज इक्वल टू एस, जो इसको सेट करते हुए वैल्यू सेट की है वही इसकी वैल्यू है, 100% एक्यूरेट वैल्यू दिख रही है, करीब करीब, एरर तो इसमें भी है, ऐसा थोड़ी ना, मोस्ट एक्यूरेट यही हो सकती है, जो इसकी वैल्यू सेट की हमने घुमा फिरा के वही उसकी वैल्यू हो गई। अगर बैलेंसिंग लेंथ या नल पॉइंट पहले से फिक्स है तब कैसे खेल खेलना है, तब इसकी वैल्यू चेंज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक टाइम तो ये जीरो हो जाएगा, एक ना एक टाइम तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, मिटा रहे। तो प्रैक्टिकलिटी मैंने बताया कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये थी कहानी मिनिमम एरर की। तो याद रखना मिनिमम एरर तब होगी जब आप एकदम बीच में जॉकी को प्लेस कर पाओ। इसके बाद एक कंसेप्ट इसमें और बचता है जो कि होता है एंड करेक्शन का। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है, ध्यान से डायग्राम देखो आप समझ जाओगे कि हमने एक गलती की हुई है पूरी कैलकुलेशन में, शुरुआत से अभी तक हमने एक मिस्टेक कर रखी थी, आपका ध्यान भी नहीं गया, ठीक है सर कैसे जाता, टॉपिक पहली बार पढ़ रहे थे, ठीक है आपकी गलती नहीं है। आर एस जो कीजिए रख दी, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, ये लेंथ हो गई अपनी एल और ये हो गई 100 माइनस एल। देखो गलती कहाँ हुई थी, ये ए ये बी था, ये सी था, ये डी था, और यहां से हमने एक बैटरी लगाई थी, ठीक है। गलती ये हुई थी कि जो करंट यहां से आया था उसको दो रास्ते मिले थे, बिल्कुल दो रास्ते, पैरेलल में गया था, एक इधर गया था एक इधर गया था, सही है। आपने इस कॉपर की रॉड का रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं किया, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो जीरो रेजिस्टेंस थोड़ी ना है, इस वाले कॉपर रॉड का भी आपने कोई रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया। आपने भाई यहां से बोला इधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस आर और एस, और इस ब्रांच के रेजिस्टेंस आपने कंसिडर किए एल और 100 माइनस एल, एक बोला था आर ए डी, याद है
और एक बोला था आर डी बी, और इधर तो चलो ठीक है, इधर की बातें तो मेरे को समझ में आई, आर और एस। इधर आपने सिर्फ आर ए डी और आर ये भी है ना, आर डी बी लेके कहानी खेल दी थी पूरी। इसको तो आपने कंसिडर ही नहीं किया कि इस कॉपर रॉड का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट्स वॉज रिजेक्टेड या वॉज नेग्लेक्टेड अर्लियर। देखो अब जिस सवाल में दिया रहे कि एंड करेक्शन है तब यूज करना, अदरवाइज नेग्लेक्ट ही करना, नेग्लेक्टेड अर्लियर। ठीक है, 99% टाइम या 90% टाइम कह लो, ऐसा ही होगा। बोर्ड में तो 100% टाइम, बोर्ड में सवाल आएगा भी नहीं, पर कॉम्पिटिशन पूछ सकता है, पूछा हुआ है, आया हुआ है। 90% टाइम वो नेग्लेक्ट होता है कि हाँ ठीक है वो तो कॉपर है, बट कुछ तो उसका है। और भाई यहाँ तो थोड़ी सी एरर से बड़ी एरर हो जाएगी, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की। तो हम क्या करते हैं, वी टेक इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर फॉर करेक्टिंग द रेजिस्टेंस, अंग्रेजी में लिखना पड़ रहा है बहुत दिक्कत, ऑफ कॉपर प्लेट्स। इन कॉपर प्लेट्स के रेजिस्टेंस को जो छूट गए थे उनको इंक्लूड करेंगे, और डेफिनेटली वो किस तरफ इंक्लूड होंगे, नीचे की तरफ। यहाँ से करंट ये पूरा देखो, इतना रास्ता इसी में इंक्लूड होगा और इतना रास्ता इसमें। तो एक्चुअल में जो एस अपॉन ये लगा रहे थे वो एस अपॉन ये प्लस ये रेजिस्टेंस, आर अपॉन जो ये लगा रहे थे आर अपॉन ये प्लस, भाई करंट एक तो इधर भागा और एक इसमें भी तो जा रहा है पूरे। चलो इसको निगलेक्ट कर दिया, छोटा सा ये कर दिया, पर ये तो बहुत ही सारा। तो एक हो जाएगा आर अपॉन ये प्लस ये रेजिस्टेंस, एक होगा एस अपॉन ये प्लस ये रेजिस्टेंस। अब सुनो, हम इसका रेजिस्टेंस नहीं लेते, हम इनकी इक्विवेलेंट लेंथ लेते हैं। क्या मतलब है, वी टेक इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर फॉर करेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट। समझो, सपोज कर लो कहानी को कि जो इधर का कॉपर रॉड है एंड ए है, सपोज एट एंड ए कॉपर हैज 4 ओम रेजिस्टेंस, और सिमिलरली मान लो एट एंड बी कॉपर हैज मान लो 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो अनइक्वल है दोनों तरफ, क्या पता। ठीक है, ऐसा हुआ। अब मान लो जो हम यूज कर रहे थे कि सपोज जो वायर है, लेट द वायर हैज 2 ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम पर सेंटीमीटर है, तो हम इसमें 4 नहीं ऐड कर सकते भाई, लेंथ है ना, हमें तो क्या फॉर्मूले में लेंथ लगाना है, हमें तो R by L is equals to S by 100 minus L कुछ ऐसा करना है हमें। तो हमने क्या किया कि इसका 4 ओम रेजिस्टेंस नहीं ऐड किया, हमने दिमाग लगाया कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम पर सेंटीमीटर, यानी अगर एंड ए पे मेरे को रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो एल में मैं 2 सेंटीमीटर और जोड़ दूं, काम बन जाएगा भाई। 2 सेंटीमीटर जोड़ने का मतलब 4 ओम और बढ़ गया, काम बन गया। और एंड बी की अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल हम यूज कर रहे थे, उसमें कितना रेजिस्ट लेंथ और डाल दें काम बन जाए, 2 ओम पर सेंटीमीटर, हमें कितना चाहिए 3 सेंटीमीटर और डाल दें। अब इतना इंटू आर इधर का रेजिस्टेंस, इतना इनटू आर ए पूरे का, नहीं समझे, हमको ये भी इंक्लूड करना है, तो हमने इसकी वैल्यू नहीं इंक्लूड की, हमने क्या लिया, वी टेक इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर फॉर करेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट का मान लो रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो हमने 4 नहीं ऐड किया, हमने कहा वायर 2 ओम पर सेंटीमीटर है, तो वायर की अगर 2 सेंटीमीटर लेंथ ले लें तो अपने आप 4 ओम बना देगी, वायर की अगर हम 3 सेंटीमीटर लेंथ ले लें तो अपने आप 6 ओम बना देगी। इनको बोलते हैं एंड करेक्शंस। इस एग्जांपल के हिसाब से 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज एंड करेक्शन एट ए एंड बी। एग्जाम्पल है, कोई भी लेंथ हो सकती है जो दी हो। तो एंड करेक्शन का करता क्या है, एंड करेक्शन को सिर्फ ऐड करते हैं,
इन शॉर्ट अगर एग्जाम में लिख के आए कि इस तरफ एंड करेक्शन एक है, इस तरफ एक है, उठा के ऐड कर दो जो भी एंड करेक्शन है। एंड करेक्शन मतलब कुछ रेजिस्टेंस छूट गया था, तो उस रेजिस्टेंस को ना देखे उन्होंने उसकी इक्वेलेंट लेंथ दे दी कि इतनी लेंथ जोड़ दो तो वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो इतनी लेंथ वायर की लोगे तो उतना ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है? नोट कर लें, एग्जाम्पल था ये, छाप लें, छप गया, पॉज करके छाप लें। ओके, बोर्ड में तो खैर ये एंड करेक्शन वाली कहानी आ ही नहीं रही है। अब देखो आईआईटी 2011 में क्या सवाल दिया इन्होंने, इसको बोला एक्स, इसको बोला टेनो, इसको बोला एंड ए, इसको बोला एंड बी, बैलेंस हुआ 52 सेंटीमीटर पे, नल पॉइंट देखा 50 के आसपास है ना, नल पॉइंट 52 सेंटीमीटर, एंड करेक्शंस दे रखे थे, एंड करेक्शंस एट एंड ए 1 सेंटीमीटर, एंड बी 2 सेंटीमीटर, फाइंड एक्स। बहुत डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो चार ऑप्शन भी क्लोज क्लोज थे, थोड़ा सा ही चेंज हुआ लेंथ में है ना, तो चार ऑप्शन 10.2 ओम, 10.6 ओम, 10.8 ओम, 11.1 ओम। अब बोर्ड वाला बच्चा होगा वो क्या लगाएगा, एक्स बटे 52 इज इक्वल टू 10/48, वो तो यही करेगा, x अपॉन ये लेंथ उठा लेगा 52 और 10 अपॉन ये लेंथ उठा लेगा 48 है ना, और इसके हिसाब से जो आंसर आएगा बता देगा साहब है ना, गलती कर जाएगा, हमें तो एंड करेक्शन भी चेक करना होगा, x अपॉन 52 10 अपॉन 48। अब एंड ए पे कितना एंड करेक्शन है, एक, मतलब एक सेंटीमीटर और जोड़ दो तो ये रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 52 + 1। एंड बी पे कितनी बची है कहानी, एंड बी पे बची है 2 सेंटीमीटर, तो 48 + 2, तो एक्स अपॉन 53 इज इक्वल टू 10/50, तो एक्स इज इक्वल टू 1/5 × 53, 5 × 5 = 30, 10.6 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स थे मीटर ब्रिज के, इससे बाहर मीटर ब्रिज में कुछ भी नहीं आ सकता। रात का समय, झूमे चंद्रमा, और ये वीडियो हो गया कंप्लीट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।